मोदी जी, एक आध पर्सनल सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपने बहुत इलेक्शन देखे हैं, आप गुजरात में लंबे समय रहे हैं, ये आपका तीसरा चुनाव है सेंटर में। मैंने देखा है कि समय समय पर चुनाव चुनाव से आप पर पर्सनल अटैक अक्सर होते जाते हैं। कहीं पे कभी बोला जाता है मोदी को गोली मार दो, कभी बोला जाता है सर फोड़ दो। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने भी आप पर कुछ आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो कि पर्सनल अटैक के तौर पर उनको भी देखा जा सकता है। ये ऐसा मोदी के साथ क्यों होता है? मोदी के साथ क्यों हो रहा है इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सवाल मोदी को क्यों पूछना चाहिए? ये सवाल इस देश में चर्चा का होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में आखिर मोदी का गुनाह क्या है। वो पीएम बना, वही गुनाह है ना। मतलब आप जो भी गाली देते प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, अब प्रधानमंत्री को इस प्रकार से सर फोड़ देंगे या कभी मेरी माँ को गाली देना कभी ये। और मैं हैरान हूँ जी, भारत के राष्ट्रपति पर भी किस प्रकार का कटाक्ष किया गया था, शर्म आए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था। मैं हमेशा मानता हूँ जी, मतदाता ही मेरा परिवार है, देश ही मेरा परिवार है, और मैं सकारात्मक रूप से जा रहा हूँ। लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं उस पर तो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, देशवासियों पर छोड़ता हूँ कि इन लोगों की तरफ कैसे देखना चाहिए। आज विलास मुझसे सुबह एक सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा आप मोदी जी से खुद ही पूछना डायरेक्ट। आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, एक कैसा कर पाते हैं? देखिए, मैं टफ डिसीजन वगैरह नहीं लेता हूँ जी, मैं सही डिसीजन लेता हूँ। कोई टफ डिसीजन होता नहीं, सही होते हैं। किसी को टफ लगे, किसी को ना लगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये सब कैसे होता है। जैसा आचार्य आपको होता है, मुझे भी होता है कि मोदी ये कैसे करता है। फिर मैं सोचता हूँ नहीं नहीं नहीं, शायद परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए भेजा हुआ है। मुझसे जो कुछ भी है वो कोई ईश्वरीय शक्ति करवा रही है, और वो ईश्वरीय शक्ति ईश्वरीय प्रेरणा से मैं करता रहता हूँ। ये कोई परमात्मा की देन है, परमात्मा ने ही मुझसे कुछ काम लेना तय किया है, किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है, और इसलिए मैं ये जो बाकी तूफान चल रहा है उससे बहुत परे रहता हूँ। लेकिन इस तूफान में शांत कैसे रहते हैं? वही, मैं उससे परे रहता हूँ। मुझे शायद परमात्मा ने यही राह दिखाई है कि तुम उन चीज़ों में मत उलझो, तुझे कोई बड़ा काम करना है, तुम अपने काम में लगे रहो। तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है, और शायद ये उसी का मैं एक निमित्त हूँ, कुछ नहीं हूँ। थैंक यू। इसी से जुड़ा सवाल था कि आपको हम लोग देखते हैं, हमको आपका शेड्यूल मिलता है, आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5-4-6 रैली, वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये दृढ़ संकल्प दे रही है आगे बढ़ने का? पहली बात तो मैंने कहा ना कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ जी, ये ईश्वर ने तय किया हुआ है, ईश्वर ने मुझे शायद इसी काम के लिए भेजा है। क्योंकि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ जी, मेरी माँ ने कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे स्कूल नहीं देखा था, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और इतना बड़ा देश इतना काम ईश्वर नहीं करेगा तो कौन करेगा जी? और मेरे लिए दो ईश्वर हैं, एक जिसको हम देख नहीं पाते हैं, और दूसरे वो जो जनता जनार्दन है। मैं जनता जनार्दन को भी ईश्वर का ही रूप मानता हूँ, और दूसरा परमात्मा के प्रति मेरी अपार श्रद्धा है। शायद परमात्मा ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है, शक्ति दी है। जहाँ तक मैं काम क्यों कर पाता हूँ, मैं मेरे लिए जीता नहीं हूँ, न मैं मेरे लिए जन्मा हूँ। तो मेरे मन में हमेशा रहता है कि मुझे जितना समय मिला है उसका पल पल मैं देश के काम आऊँ। जहाँ तक मैं दौड़ता दौड़ता मेरा होता है, लोकतंत्र एक बहुत बड़ा उत्सव है, फेस्टिवल है जी, ये जनता जनार्दन के दर्शन करने का अवसर है जी।
हमें मौका लेना चाहिए, जितना जनता जनार्दन के दर्शन कर सकते करना चाहिए। लोकतंत्र का एक उत्सव है जिसमें संवाद होना चाहिए जितना ज़्यादा। तो मैं इसको एक, जैसे हम घर में कोई बड़ी पूजा करते हैं ना, कैसे इन्वॉल्व होते हैं, मेरे लिए पूजा का समय है। मेरे 140 करोड़ देवता, उनकी मैं पूजा कर रहा हूँ, उस भाव से मैं चलता हूँ, लगा रहता हूँ उनमें, खप जाता हूँ और थकता नहीं हूँ, भगवान को देख के आता हूँ।